नाम तो सुना होगा। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके आने वाली टॉप 10 अपकमिंग मूवी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हो। तो दोस्तों किंग खान की सबसे पहली मूवी जो आएगी उसका नाम है जवान। तो दोस्तों आपको बता दें, इस मूवी में मेन लीड में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति देखने को मिलेंगे, और साथ ही थलपति विजय की भी इस फिल्म में झलक दिखाई देगी, और जहां तक कि संजय दत्त भी दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में शाहरुख खान डबल रोल करने वाले हैं। हाँ जी हाँ, शाहरुख खान इसमें डबल रोल करने वाले हैं, यानी कि दो शाहरुख खान इस मूवी में दिखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले जवान बंदा सॉन्ग आ चुका है शाहरुख खान की इस मूवी का, जो कि एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि ये एक एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी होने वाली है। इस मूवी का बजट जो है दोस्तों 200 करोड़ के लगभग है, और ये मूवी 7 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। नंबर 2 पर है दोस्तों डंकी। इस मूवी में मेन लीड में शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी हैं, जो कि थ्री इडियट्स, पीके और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। तो वही इस फिल्म को ला रहे हैं। इस फिल्म में राजकुमार ईरानी ने शाहरुख खान को चुना है, क्योंकि उनके पठान फिल्म के सक्सेस होने के बाद उन्होंने इनको इसीलिए ही चुना था। और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू और रणवीर सिंह भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। और इस मूवी में जयदाद और सऊदी अरब की लोकेशन देखने को मिलेंगी, साथ ही इस मूवी की मेन भाषा हिंदी होगी। और इस मूवी की रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है 22 दिसंबर 2023 को ये सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। नंबर 3 पे आने वाली है, इस फिल्म का नाम है दोस्तों टाइगर 3। ये सलमान खान की आने वाली टाइगर 3 मूवी है। दोस्तों इस मूवी को दिवाली की तरफ रिलीज किया जाएगा। दोस्तों इस मूवी में मेन लीड में सलमान खान, कैटरीना कैफ और शाहरुख खान भी देखने को मिलेंगे, और नेगेटिव रोल में इमरान हाशमीन देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी में। आपको बता दें कि दोस्तों इस मूवी को हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा, और साथ ही 2-3 भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, और ये मूवी दोस्तों 10 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। और नंबर 4 पर है दोस्तों टाइगर वर्सेस पठान। जी हाँ दोस्तों, पठान मूवी के सक्सेस होने के बाद और टाइगर 3 मूवी में शाहरुख खान की एंट्री होने के बाद मेकर्स ने फैसला कर लिया है कि एक बार टाइगर वर्सेस पठान यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान की मेन लीड में मूवी वो बनाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, इस मूवी में मेन लीड में सलमान खान, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण और कुछ अन्य कास्ट के स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये मूवी 2025 तक देखने को मिलेगी। क्या देख रहा वे? नंबर 5 पर है दोस्तों अनटाइटल मूवी, यानी कि इस मूवी का कोई टाइटल नहीं रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी को स्वयं शाहरुख खान प्रोड्यूस करेंगे, और इस मूवी में मेन लीड में शाहरुख खान और उनकी बेटी सुनैना खान देखने को मिलेंगी। और दोस्तों आपको बता दें, ये मूवी शाहरुख खान इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो इस मूवी में अपनी बेटी का फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोशन करना चाहते हैं,
यह एक यश राज की फिल्म होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या शाहरुख खान की बेटी धमाल मचा पाएंगी? तो दोस्तों नंबर 6 पर आने वाली है पठान 2। जी हाँ, लोगों की पठान 2 देखने के बाद दिलचस्पी बढ़ चुकी है और वो पठान 2 मूवी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के कहने के बाद मेकर्स ने सोचा है कि वो पठान 2 मूवी लाएंगे, क्योंकि पठान एक सक्सेसफुल यानी कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी हो चुकी है, जिसकी सीरीज पर सीरीज बनती जा रही है। पठान हो गई, टाइगर 3 हो गई और फिर टाइगर वर्सेस पठान। इसीलिए मेकर्स ने फैसला किया है कि वो पठान 2 मूवी भी लाएंगे। तो दोस्तों इस मूवी में मेन लीड में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगे और साथ में कई नए स्टार कास्ट भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 7 पर शाहरुख खान की कुछ अनकन्फर्म मूवी आएंगी, जिसमें से 7वें नंबर पर जो मूवी है वो है सैल्यूट। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में आपको बता दें कि ये मूवी मतलब अभी इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता आएंगी या नहीं, पर ये आ सकती हैं 2024 से 25 के बीच में। नंबर 8 पर शाहरुख खान की अगली फिल्म आएगी ऑपरेशन कुकरी। इस मूवी में शाहरुख खान मिलिट्री ऑफिसर देखने को मिलेंगे। इस मूवी की शूटिंग दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है। तो दोस्तों नंबर 9 पर जो मूवी होगी, तो दोस्तों जो नंबर 9 पर मूवी है वो है रावण 2। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की एक पहली फिल्म आ चुकी है रावण, जिसमें शाहरुख खान ने जीवन का किरदार किया है, जो कि एक हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों, लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, जो कि एक साईफाई मूवी थी। इस मूवी में मेन लीड में शाहरुख खान और करीना कपूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। यह एक भारी बजट से बनने वाली मूवी होगी, एक जैसे कि रोबोट मूवी की तरह। तो दोस्तों आपको बता दें नंबर 10 पर जो मूवी है वो है हे राम। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले एक फिल्म आई थी हे राम, वो एक मूवी हिट मूवी हुई थी, उसी की ये रीमेक मूवी होने वाली है और इस मूवी में कमल हसन भी आपको देखने के मिलेंगे दोस्तों, और मेन लीड में तो शाहरुख खान ही रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर शाहरुख खान के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी दोस्तों।